हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट सूत्र हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ कमेंट्स में था कि आप एक ही वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं आप उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको सूत्र याद रहेगा तभी तो आप जो सवाल है उसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल है, तो अगर पूछे कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर आयत का क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है कि कुल लागत बटे में एक वर्ग इकाई की लागत। थर्ड है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है कि टू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर अगर आयत का लंबाई ज्ञात करने को बोले तो क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई होता है, और अगर चौड़ाई पूछे तो क्षेत्रफल बटे में लंबाई होता है, ठीक है। और अगर आयत का विकर्ण पूछे तो करणी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। अब ये आयत का पूरा ख़त्म हो गया, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। एग्जाम में पूछ देता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो अगर आपको सूत्र याद रहेगा तभी तो आप सॉल्व भी कर पाओगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। क्योंकि जो सवाल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कभी कुछ पूछ लेता है तो कभी कुछ, तो आपको सभी सूत्र याद करना होगा। तो कर्ण स्क्वायर बटे में दो हो जाता है। फिर आपका कुल लागत बटे में एक वर्ग की इकाई की लागत। एंड अगर वर्ग की भुजा, तो भुजा बराबर होता है करणी में क्षेत्रफल या परिमिति बटे में चार, ठीक है। अगर मान लीजिए परिमिति ज्ञात करने को कह दे तो आप परिमिति बटे में चार। फिर अगर वर्ग का परिमिति पूछे तो चार गुणे भुजा, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण होता है करणी में टू भुजा एंड करणी में टू इंटू क्षेत्रफल। ये जितने भी हैं आपको याद करने होंगे, ठीक है। और याद कैसे होगा, तो अगर आप बहुत सारे इसी के आधार पर सवाल लगाओगे तो आसानी से ये जितने भी सूत्र हैं याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट इसमें है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो करणी में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी, जहां एस इक्वल 1/2 परिमिति और ए बी सी तीन भुजाएं हैं, ठीक है। फिर आपका वही त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी हो जाता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट आपका कर्ण त्रिभुज का आधार, तो त्रिभुज का आधार का जो सूत्र होता है वो होता है 2 इंटू क्षेत्रफल बटे में ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो होती है 2 इंटू क्षेत्रफल बटे में आधार। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर इंटू √3 बटे 4, ठीक है। फिर समबाहु त्रिभुज का लंब, तो भुजा इंटू √3 बटे में 2। तो देखिए ये और ये सेम एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ भुजा स्क्वायर है और इसमें केवल भुजा है, ठीक है। यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 है, लेकिन नीचे 4 है और यहाँ 2 है। तो ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये समबाहु त्रिभुज का लंब है। नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत IMP है, कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। क्योंकि समलंब का भी क्षेत्रफल पूछ देता है, तो इसका सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। सेकेंड है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 एंड ब्रैकेट में विकर्णों का गुणनफल। उसके बाद
थर्ड आ जाता है तो थर्ड में समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही आईएमपी है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन या फिर डेली रिवाइज करेंगे और इसके आधार पर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपके जो सूत्र हैं, तो अब आपका जो पॉइंट है वो है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त से रिलेटेड भी एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है r पाई आर स्क्वायर एंड परिधि बटे में पाई बराबर 2r होता है। एंड वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है व्यास बटे में 2 या करड़ी में क्षेत्रफल बटे पाई इक्वल परिधि बटे 2π। नेक्स्ट है आपका वृत्त का खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है तो डी बटे में 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जितने भी आपके सूत्र हैं अच्छे से याद कर लीजिए। और देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की इकाइयों में परस्पर संबंध, एक वर्ग सेंटीमीटर में कितना वर्ग मिलीमीटर होता है तो 100 वर्ग मिलीमीटर होता है, एक वर्ग डेसीमीटर में 100 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आप इसको बस एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसको उतना रिवाइज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक वर्ग मीटर में कितना होता है तो 100 वर्ग मीटर डेसीमीटर होता है, एक वर्ग डेकामीटर में कितना होता है तो 100 वर्ग मीटर होता है, एक वर्ग हेक्टोमीटर में होता है 100 वर्ग डेकामीटर, एक सेंटी आर बराबर होता है 10 वर्ग मीटर, एक डेसी आर बराबर होता है 10 सेंटी आर, एक आर बराबर या 100 वर्ग मीटर बराबर होता है 10 डेसी। ठीक है, एक डेका या फिर आप 1000 वर्ग मीटर कह सकते हो तो 10 आर हो जाता है, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10 डेका आर। अब इकाइयों के परस्पर संबंध, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आप सेंटीमीटर भी कह सकते हो या 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर या डेसी, 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर या मीटर। ठीक है, 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर या डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर या हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर या 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर या बस किलोमीटर भी आप कह सकते हो। वर्ग इकाइयों के परस्पर संबंध, तो 100 वर्ग मिलीमीटर में 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है, 100 वर्ग सेंटीमीटर में 1 वर्ग डेसीमीटर होता है एंड 100 वर्ग डेसीमीटर में 1 वर्ग मीटर होता है, 100 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 वर्ग डेकामीटर और 100 वर्ग डेकामीटर बराबर होता है 1 वर्ग हेक्टोमीटर एंड 100 वर्ग हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 वर्ग किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल की नाप, तो 100 वर्ग मीटर बराबर होता है, बहुत ही आईएमपी है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि एक एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो एक एकड़ में जो आपके वर्ग मीटर होते हैं 100 वर्ग मीटर होते हैं, या फिर अगर पूछा जाए कि 100 वर्ग मीटर में कितना एकड़ होता है तो एक एकड़ होता है, 100 एकड़ में कितना होता है तो 1 हेक्टेयर होता है और 10,000 वर्ग मीटर में कितना होता है तो 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, अब देखिए 1 हेक्टेयर को मारिया मीटर भी कहा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही आईएमपीए सूत्र है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और सवाल लगाकर, और अगर आप रिवाइज करेंगे तो और ही आसानी से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जो इसका पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके बाद
जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसमें सर्च करना होता है अपडेट विद काजल, और आप आसानी से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर जितने भी सब्जेक्ट के पीडीएफ होते हैं आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।